हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाला हूँ नारियल के लड्डू, वो भी दो सिंपल स्टेप्स में। इसको बनाने के लिए मुझे चाहिए मिल्क मेड का छोटा कैन और नारियल, सूखा नारियल यानी ड्राइड कोकोनट। हम सबसे पहले मिल्क मेड को कैरेमलाइज करेंगे। कैरेमलाइज करने के लिए इसे उबलते पानी में 1.5 से 2 घंटे तक छोड़ना है। कैरेमलाइज्ड मिल्क मेड मिठाई को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसको बॉयल करते वक्त ध्यान दीजिएगा कि हमारा कैन सील्ड हो, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसका एंगल चेंज कर देंगे ताकि अच्छे से कैरेमलाइज हो सके। और जब तक ये कैरेमलाइज हो रहा है, आप बैठे बैठे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, मेरे चैनल को लाइक करो, मेरे वीडियोस को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे वीडियोस कैसे हैं। तो ये है ड्राइड कोकोनट, इसको मैं करने वाला हूं कद्दूकस या ग्राइंड। मैं तो इसको मिक्सी में ग्राइंड कर रहा हूं बहुत ही बारीक, आप इसको बारीक कद्दूकस भी कर सकते हैं। ग्राइंड हो चुका है, अब मैं मिल्क मेड के कैन को खोलने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जब कैन ठंडा हो जाए तभी खोलिएगा। और अब ग्रेटेड कोकोनट से मैं 3-4 चम्मच कोकोनट निकाल करके रख लूंगा। इसका काम मुझे बाद में पड़ेगा, मैं आपको बताऊंगा। अब इस ग्रेटेड कोकोनट में मैं ऐड करूंगा पिसी हुई इलायची पाउडर। ये लगभग 1 टीस्पून ऐड कर दीजिए। और फिर इसमें ऐड करूंगा 1 चम्मच देसी घी, और फिर मिल्क मेड इसमें डालना है। मुझे वैसे तो पूरा हाफ कैन मिल्क मेड यूज करना है, बट स्टार्टिंग में हाफ से थोड़ा सा कम यानी 1/3 ही डालिए। और ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए। ये बहुत ही इजीली मिक्स हो जाएगा। मुझे इसको 2 फॉर्मेशन देना है यानी आटे जैसा बनाना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि पूरा घी अच्छे से मिल जाए और मिल्क मेड कोकोनट में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें बाकी मिल्क मेड हम डाल देंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें ओवरऑल हाफ कैन ही यूज करना है, और ज्यादा करेंगे तो बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। अब ये डो हमारा ऑलमोस्ट बनके रेडी है। अब बचा है आखिरी काम, और वो है इसके छोटे छोटे गोले बनाना। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे ये। तो अब गोले बना करके मुझे क्या करना है, जो ग्रेटेड कोकोनट मैंने अलग से रखा था उसमें अपने गोलों को डालना है ताकि ग्रेटेड कोकोनट पूरा अच्छे से उसमें लग जाए, उसमें चिपक जाए। ये मिठाई को एक अच्छा लुक देगा और साथ ही साथ एक टेस्ट देगा। को रोल करिए इसमें, और रोल करने के बाद प्लेट में रख लीजिए। तो हमारे लड्डू तो हो गए हैं रेडी, रक्षाबंधन आ गया है, जन्माष्टमी आने वाली है, मैं और भी मिठाइयों के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। फिलहाल आप ये बनाना शुरू कर दीजिए, बहुत ही सिंपल है ये। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा। ये खाने में तो बहुत टेस्टी होता है, बनाने में भी बहुत सिंपल है। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।